तो ओवरऑल तीन पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछा गया, भैया इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो ये एटम के अंदर रहते कैसे? जैसे आपको बोले कि आपके घर के अंदर कितने भाई बहन है, तो बोले कि मम्मी है, पापा है और मैं हूं, तो तीनों लोग रहते कहाँ हो? तो ऐसे ये सवाल उनसे भी पूछेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूट्रॉन किधर रहता है? तो सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था सर जे थॉमसन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने बोला उनके हाथ में क्या था उस टाइम पे, वो शायद तरबूज खा रहे होंगे, तो तरबूज खाते खाते उनसे पूछा कि हाँ अंकल जी, ऐसे राजस्थानी बोलते ना, हाँ अंकल जी थे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करियो, अच्छा थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करियो, तो बता दे इलेक्ट्रॉन कटर है राजस्थानी आप लोगों के सर क्या हो गया। तो बेसिकली क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया सर जे थॉमसन ने, तो उनसे सवाल पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, तो वो तरबूज खा रहे थे उस टाइम पे रेडी पे खड़े खड़े। तो उन्होंने तरबूज को देखा और तरबूज को देखते हुए बोले कि भैया देखो ऐसा तरबूज के जैसा होएगा। तो तरबूज में क्या होता है, तरबूज अगर आपने देखा वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तो इन दैट केस बोला जो तरबूज के जो बाहरी पार्ट होता है हरा हरा, उसको बोला वो न्यूट्रॉन की परत है, ठीक है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं बेसिकली वो जो बीज है काले काले, उनको क्या बोला उसने, उनको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड कलर की पल्प पल्प होती है बोले कि वो प्रोटॉन है। और काफी काफी सालों तक ये मॉडल जो है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ऐसा देखो ऊपर की लेयर है उसको उसने बोला कि भैया न्यूट्रॉन है, अंदर की व्हाइट ये जो येलो लेयर है उसको बोला कि ये तो भैया प्रोटॉन है, और ये जो आपको छोटे छोटे से यू नो चक्की चिप्स दिख रहे हैं ना, चॉकलेट चिप्स, तो उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल काफी सालों तक चला, लेकिन ये गलत था। इसको गलत साबित किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कहता है फालतू की बकवास है, हालांकि वो ये कहना नहीं चाहता था कि फालतू की बकवास है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उसके